और शशि भाई क्या हालचाल है? ठीक है राम प्रवेश भाई, बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। और क्या हो रहा है? बस खेती बाड़ी चल रहा है हम लोगों का। चल, और शशि भाई आपके बेटे की हाल चाल कैसी है? बस राम प्रवेश भाई एकदम ठीक है। अभी बच्चे का मेरा क्या बोलते हैं स्कूलिंग कंप्लीट हो गई है और कॉलेज में उसका दाखिला करवाना है। उसका उसी के लिए मैं थोड़ा पैसे वैसे जोड़ते चल रहा हूँ मैं कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला कम से कम हो जाए। एक बात बताऊं शशि भाई आपको, अगर आपका बेटा पढ़ भी लिख लिया तो भी आज के ज़माने में नौकरी लेना बहुत असंभव की बात है। आजकल के ज़माने में नौकरी लेने के लिए कितनी रिश्वत और सिफारिश करने पड़ती है तब जाके नौकरी मिलती है, जो तुम दे नहीं पाओगे। मुझे देखो, मैंने अपने बच्चों को काम पे लगा दिया है, तू भी अपने बेटे को काम पे लगा दो। इस पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। चाहे जो भी हो भाई, जो गलती मेरे माता पिता ने मुझे ना पढ़ा के की है, मैं अपने बेटे के साथ वो गलती ना दोहराना चाहता। वैसे भी भाई, माता पिता की सबसे बड़ी पूंजी उसकी औलाद होती है। अगर वो पढ़ लिख के कुछ बन जाता है तो मेरे लिए सबसे गर्व की बात है। मैंने अपनी आधी जिंदगी जैसे तैसे करके मैंने गुजार ली है, और वैसे भी मैं ये नहीं चाहता कि जो जिंदगी मैं जिया हूँ वो मेरा बेटा भी जिए। एक बात बोलूँ भाई, आजकल के बच्चे शादी हो जाने के बाद माँ बाप को भूल जाते हैं। तेरी तो बीवी भी नहीं है, अगर तेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो तू क्या करेगा? चाहे जो हो भाई, चाहे वो मुझे घर से ही निकाल फेंके, मुझे उसका कोई गम नहीं है। वो खुश रहेगा तो मैं उसकी खुशी देख के ही जी लूंगा, उसी की खुशी में मेरी खुशी है। हेलो अकुलन बेटा, क्या हाल चाल है बच्चा? हाँ पापा जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारी एडमिशन हो गई कॉलेज में, बड़ी मुश्किल से हुई है, तुम भी जानते हो बात। तो बेटा जी लगा के पढ़ना और वहाँ किसी गलत संगत में ना पड़ जाना बेटा, क्योंकि वो हमारी दुनिया और वहाँ की दुनिया में बहुत अंतर है। तुम बस पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना और अच्छे से पढ़ना और हमारा नाम रोशन करना, बस मुझे तुमसे बस इतनी ही आशा है। ठीक है बेटा, बाय। मैं जा रहा हूँ अब काम पे, मालिक ने ये काम करनी है ना उनके आने से पहले, तो चलो बाद में बात करूँगा मैं, बाय। अभी मेरे पास बहुत सारा वर्क बचा हुआ है, पता है मल्टीपल इंटीग्रेशन सारा का सारा बचा हुआ है। एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, मुझे बहुत सारी तैयारी करना है, इसलिए मैं नहीं पी सकता। आप लोग एंजॉय करो भाई। ये दवा है डिप्रेशन दूर करने की, ये पढ़ने लिखने सब चीज़ में काम करती है। आपका इंटीग्रेशन नहीं बन रहा है, आपका मैथमेटिकल टर्म नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, सब ये पीने के बाद बन जाती है। अल्फा बीटा गामा सब नजर आता है। सच्ची में? एकदम सच्ची में। इतना इफेक्टिव होता है यार? बहुत इफेक्टिव होता है, इसमें जो है वो किसी और चीज में दम ही नहीं है किसी। चलो तो आज मैं भी ट्राई करता हूं। एकदम चलो चलो। DUI, no not I, nope. Way too fly, bitch I'm sky, uh-huh. I take shots like a 9 to 5, I make it rain like 1,000 times, yep I'm a vulture, when she dancing, I swoop down and them chickens think I'm handsome, wings on a whip, we can fly the coop, got Drake, what you trying to do, what you trying to do, hey boy can you fill my cup, boy can you fill my cup, what you trying to do, yeah girl you can drink with us.
us, but you gotta drink it up. What you trying to? Hey boy, can you fill my cup? Boy, can you fill my cup? What you trying to? Yeah girl, you can drink with us, but you gotta drink it up. Drink. और रवि भाई, चलो पार्टी वार्टी किया जाए। पैसे कहाँ से? कोई नहीं, बंदे हैं अंदर बैठा हुआ है, ले आते हैं उसे। बुलाए उसको? चलो चलते हैं। और क्या, और भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाई, क्या सोच रहे कहीं आउटिंग पे चले, पार्टी वार्टी करने के क्लब में? भाई बाहर में तो क्लब में जानते हो कितना खर्च आएगा यार, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तेरे अकाउंट में आया हुआ है ना यार? मेरे कॉलेज के फी है, अगर नहीं जमा कर की कल कल की कल सोचेंगे, आज चिल करते हैं ना, कल फिर हो जाएगा यार। तो कर प्रॉमिस कि मैं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पक्का? पक्का। चल कर, चलते हैं, चल। हेलो हाँ पापा, पैसा आ गया? कैसे हो? बस बढ़िया, अपना सुना यार। बस यार ठीक है यार, एग्जाम नज़दीक आ गए और कॉलेज की फीस जमा करनी है। वो तो हमने क्लब के आउटिंग में उठा दिए, तुमने बोला था कि उस टाइम मैनेज कर दिया जाएगा। तो यार प्लीज़, अगर तुम्हारे पैसे आ गए हैं तो दे दो, मैं जाकर कॉलेज से जमा कर दूँ। भाई मैंने अभी फ़ोन किया था पापा को, उन्होंने बोला बेटा अभी थोड़ा दिक्कत है, मैं थोड़े दिन के बाद भेजूँगा पैसा, या अभी मैनेज कर ले कहीं से, मैं व्यवस्था करवा लूँगा। यार अब मैं कहाँ से मैनेज करूँ, मैं घर पे भी मांगूँगा तो नहीं मिलेगा। कोई नहीं, तो डीन एफेयर से जाकर बात करने हो जाएगा काम। यार कॉलेज के डीन तो मानते ही नहीं है ठीक के मामले में, अब मैं कैसे उनको समझाऊंगा? यार हो जाएगा यार, चिल मार, हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन क्यों लेता है यार? यार टेंशन क्यों ना लूँ, टेंशन की ही बात है, अगर कॉलेज फी नहीं जमा करूंगा तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। अरे हो जाएगा, चल तू जाकर डीन से बात कर ले, फिर देखते हैं, अगर नहीं होगा तो। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ बात करके। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं भाई।
मैं तेरे को बाद में फोन करता, तू फोन कर पहले। ओए कुंदन, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं भाई। तू यहाँ ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? बस ऐसे ही। कोई दिक्कत है तो बोल, टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं क्या बताऊँ यार, हुआ क्या तो बता तो सही। मेरे घर से कॉलेज की फी आई थी, हाँ, पर मैं अपने दोस्तों के चक्कर में वो फी उठा दिया। उन्होंने बोला कि मैं तेरे नोटिस के टाइम में हम लोग कहीं से पैसे इकट्ठे करके तेरे फी क्लियर कर देंगे। आज जब फी क्लियर करने की टाइम आई तो वो बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। कॉलेज वालों से भी जाकर बात की, उन्होंने बोला जब तक तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने पापा को बोल के नहीं, फिर से यार मेरे पापा बहुत गरीब इंसान है, बहुत मेहनत मजदूरी करके वो मेरे कॉलेज की फी भेजे थे और मैंने उठा दिया। अब मैं उनको किस मुँह से मांगू कि मुझे कॉलेज की फी चाहिए। और भाई क्या चल? और भाई भाई वो मेरे को बाथरूम में कुंदन मिला था, एक्चुअली वो रो रहा था पूरा यार। मुझे बताया उसने कि तुम लोग दोस्तों ने मिलके एक साथ पैसे कहीं खर्च कर दिए हैं, अब वो बड़ा परेशान है, उसकी फीस तुम लोग क्यों नहीं मैनेज कर देते हो? आखिर वो तुम्हारा दोस्ती है यार, मैनेज कर दो, क्यों परेशानी में देख रहे हो उसको? यार किस बात की दोस्ती, जब तक पैसे थे तब तक दोस्ती, पैसे खत्म दोस्ती खत्म। तेरा तो एग्जाम है कॉलेज में। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बात तो बता।
आपने जो फीस भेजी थी मुझे कॉलेज में देने के लिए, मैं अपने दोस्तों के बहकावे में उठा दिया और कॉलेज वाले मुझे बिना फीस के एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आप ही के साथ यही आपका काम अड़ाऊंगा। अब मैं कॉलेज में पढ़ने से रहा नहीं। अब तू पढ़ाई छोड़ देगा तो क्या करूं? अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। इतने सालों की मेहनत डूब जाएगी। अब मैं नहीं जानता, मेरे कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं आप ही के साथ रहूंगा, आपका काम मैं हाथ बढ़ाऊंगा। तू टेंशन ना ले, तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, पैसे के इंतजाम मैं कर दूंगा। अभी तेरा बाप जिंदा है, चुपचाप तू जैसे आया है वैसे ही कॉलेज लौट जा। पैसे की रही बात, मैं इंतजाम करके तेरे कॉलेज में फीस भर दूंगा। ये मालिक। हाँ शशि, क्या हुआ? आओ बैठो। बोलो शशि, क्या काम है? मालिक, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। क्या हुआ, कितने पैसे चाहिए? मुझे 80,000 रुपए चाहिए मालिक। 80,000 रुपए? इतने पैसे क्यों चाहिए, क्या करेगा इतने पैसे का? मालिक, मुझे अपने बेटे की फीस भरनी है। अगर मैं उसकी फीस ना भर पाया तो उसको एग्जाम देने नहीं मिलेगा, उसका लास्ट ईयर है, सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी उसकी। सोच ले, इतने पैसे अगर तूने ले लिए तो तू चुकाएगा कैसे? चाहे जैसे हो मालिक, मैं आपका पैसा जल्द से जल्द चुका दूंगा, चाहे आप मुझे अपने पास फिर भी क्यों ना रख लो, मैं सारे काम करने को तैयार हूँ आपके। सोच ले, तेरे को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तेरे को खेतों का काम भी करना पड़ेगा, घर का काम भी करना पड़ेगा और पशुओं का काम भी करना पड़ेगा। ठीक है मालिक, मैं सारे काम करने को तैयार हूँ, बस मुझे आप पैसे दे दो, मैं दिन रात आपके यहाँ मेहनत करूँगा। देखो शशि, मेरे पास इतना कैश तो है नहीं अभी, तो मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें चेक लिख के दे देता हूँ, तुम बैंक से वो चेक निकलवा देना। ठीक है? ठीक है मालिक, दे दीजिए आप मुझे चेक। पैसे की जुगाड़ कर दी है, ये अपने कॉलेज में तू जमा कर देना और एग्जाम दे लेना, और मुझे अब कुछ बन के ही दिखाना। कोई ना बेटे, अच्छी जिंदगी जियोगे तभी तो बनोगे। कंधों पर झुलाया, कंधों पर घुमाया, पापा के बदौलत ही मेरा जीवन खूबसूरत बन पाया।